करौंदे और मिर्च का अचार खाना सबको बहुत पसंद होता है। आज हम आसान विधि से बना रहे हैं करौंदे और मिर्च का अचार, जो बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत टेस्टी लगता है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। यहाँ पर हमने करौंदों को धो के साफ़ कर लिया है। आपको ऐसे इसको साफ़ कर लेना है। सूखे हुए होने चाहिए करौंदे और हरी मिर्च। धो के आप उसको पोंछ के सुखा सकते हैं या हवा में रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, तो वो सूख जाएंगे। ये देखिए, अब हम इनको काटेंगे। जैसे इसके ऊपर हल्की सी इसकी डंठल लगी हुई है, इसको हम निकाल देंगे और बीच में से हम इनको चीर लेंगे करौंदों को, और जो इसमें बीज होता है अंदर का उसे भी हम निकाल देंगे। वैसे तो ये कच्चिया बीज है, इसमें पक्का बीज भी होता है, पर आपको बीज को निकाल लेना है, चाहे वो कच्चिया हो चाहे पक्का हो, क्योंकि ये होगा अगर आप बीज नहीं निकालेंगे तो वो अचार आपका जल्दी ख़राब हो सकता है। आप बीज निकाल के ही इनको साफ़ कीजिएगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा पर बहुत अच्छा बनता है ये अचार। ऐसे हम इनको चीर के ऐसे काट लेंगे। इसी तरह से हम सारे करौंदे काट के साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम करौंदे लिए हैं और 150 ग्राम हरी मिर्च। आप इनकी मात्रा ज़्यादा भी ले सकते हैं, हमने थोड़ी ही ली है। यहाँ पर आप ज़्यादा समय के लिए बना रहे तो ज़्यादा ले लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर हमने सारे करौंदों को काट के साफ़ कर लिया है। इनको साफ़ करके हमने रख दिया है एक तरफ। अब यहाँ पर हम काटेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्च की आपको ऊपर से डंठल हटा देनी है और बीच में से आपको इनको छील लेना है, और इसके आप छोटे छोटे पीस कर लीजिए। बड़े रखना चाहते हैं बड़े रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हम इनको ऐसे चीर के काट लेंगे। बहुत ही बढ़िया सा अचार बनता है, बहुत अलग सा लगता है ये अचार खाने में, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, यहाँ पर हमने सारी मिर्चों को काट लिया है और यहाँ पर करौंदे भी हमारे कट चुके हैं। अब हम हरी मिर्चों को इसमें ही मिक्स कर देंगे। अब जैसे आजकल बारिश का मौसम है, धूप बड़ी मुश्किल से निकलती है, कभी निकलती है कभी नहीं, तो इसको आप हवा में भी सुखा सकते हैं। पंखे की हवा में आप 2 से 2.5 घंटे सुखा सकते हैं। अगर धूप है तो आप 1 से 1.5 घंटे की धूप लगा लीजिएगा। जैसे अब धूप नहीं है तो हम इसको हवा में रख देंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए। देखिए, ये हमने सुखा लिया करौंदों को यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने लिया 1 चम्मच सौंफ, साबुत सौंफ है, 1 चम्मच राई और 1 चम्मच धनिया साबुत और 0.5 चम्मच हींग। इन सबको हमने ले लिया है। अब इनको हम पीस लेंगे। आपको थोड़ा दरदर ही पीसना है, ज़्यादा मोटा नहीं, पत्ता नहीं पीसना। अब यहाँ पर मैंने लिया 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और 0.5 चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च डाल रहे हैं तो मिर्च की मात्रा मैंने इसमें कम कर ली है। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप इसमें मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। बढ़िया सी खुशबू आ रही है इस टाइम। यहाँ पर हमने लिया 1 कटोरी सरसों का तेल, जिसे पका लिया है, और उसको हम अब ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके हमने इसमें सारे मसाले मिला दिए हैं। अब इसमें हमने करौंदे और हरी मिर्च डाल देने हैं और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपके यहाँ धूप आ रही है तो आप 6 से 7 दिन के लिए इसको धूप में रख सकते हैं, कांच के बोट में डाल के। अगर मान लीजिए वहाँ पर बारिश का मौसम है और धूप नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पर ये सोडियम बेंजोनेट इसमें डाल के रख लीजिएगा और 6 से 7 दिन आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। इसमें धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है इसको डालने के बाद। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है क्योंकि आजकल थोड़े बादल छाए हुए रहते हैं, तो इसलिए इसमें प्रॉपर धूप नहीं लग पाएगी। तो इसमें हम सोडियम बेंजोनेट डाल के इसको 6 से 7 दिन के रख देंगे, हमारा अचार बिल्कुल तैयार हो जाएगा बन के। ये देखिए, अब इसको हम एक डिब्बे में भर लेंगे। यहाँ पर हम प्लास्टिक के डिब्बे में भर रखे हैं क्योंकि इसमें हम धूप नहीं लगा रहे। आप धूप लगाएंगे तो कांच के डिब्बे में रख लीजिएगा। मैंने पहले इस साल बहुत सारे अचार बनाए थे, आम के, छोले के, भिंडी के, और आप देख सकते हैं उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। आप हमारे चैनल पर जाके उसको चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को। हमने बहुत अलग तरह के अचार बनाए हैं, तो आप भी इस तरह के अचार बनाइए और हमें बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है।